छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट जैस्मीन भसीन अपने सीरियल के अलावा निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। वह सोशल मीडिया और इंटरव्यू के जरिए फैंस को अपने बारे में खास जानकारी देती रहती हैं। अब एक बार फिर से जैस्मीन भसीन अपनी निजी जिंदगी के बारे में खास खुलासा करने की वजह से चर्चा में है। जैस्मीन भसीन ने एक इंटरव्यू के दौरान छोटे पर्दे पर अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है, साथ ही उन्होंने रिलेशनशिप के बारे में भी बात की है। जैस्मीन भसीन ने कहा है कि एक समय ऐसा था कि जब अपने संघर्षों के दिनों में वह काफी परेशान रही थी, उन्हें आत्महत्या करने जैसे विचार आने लगे थे। इस तरह के डिप्रेशन से निकलने में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैस्मीन भसीन ने कहा, मैं काफी समय से अपनी जिंदगी के इस बुरे दौर में थी। जब मैं मुंबई आई थी और संघर्ष कर रही थी, वह लड़ाई मेरी खुद के साथ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद से अपना आत्मविश्वास खो रही थी। मुझे लगता था कि मेरे में खामियां हैं, मेरी स्किन में खामी है, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तभी मुझे हर रोज रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जैस्मीन भसीन का मानना था कि इस तरह के डिप्रेशन से निकलने में खुद से प्यार करने वाली सोच ने काफी मदद की। अभिनेत्री ने कहा, मेरे लिए सीखने का बिंदु यह था कि आपको सबसे पहले खुद से लड़ने की जंग खत्म करनी होगी। आप जैसे हैं, आपको खुद को स्वीकार करना होगा, आपको अपनी खामियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आपकी खामियां ही आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। वरना हम सभी एक टॉय शॉप में रखी डॉल की तरह लगेंगे। जब आप खुद से लेकर ये आत्मविश्वास और फैसला करेंगे, आपको यही चाहिए और मैं इसे पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, अपना 100% देंगे, ताकि गलती महसूस ना हो कि आपने कोशिश नहीं की, उस वक्त आपको कोई भी कुछ पाने से रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा जैस्मीन भसीन ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए और ढेर सारी बातें की। आपको बता दें कि जैस्मीन भसीन ने बिग बॉस 14 के अपने रोल और रणनीति से काफी सुर्खियां बटोरी थी। शो में वह अपनी बॉयफ्रेंड और टीवी अभिनेता अली गोनी के साथ लेकर चर्चा में रही। शो में जैस्मीन और अली गोनी ने अपने रिश्ते को लेकर बात की थी। तो क्या कहना है आपको जैस्मीन भसीन के इस विचार के बारे में, कमेंट्स करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग स्क्रीन।